आपका सलाहकार कौन है, हु इज योर एडवाइजर, आपका सलाहकार कौन है, हु इज योर एडवाइजर। अब आप यही कहेंगे, मैं अपने आप को खुद सलाह देता हूं। यही सबसे बड़ी गलती करते हो आप जाने अनजाने में किसी ना किसी से अटैच होकर सजेशन जरूर लेते हो, आप किसी ना किसी से सलाह जरूर लेते हो। हाँ तो क्या हो गया, पूछ लेता हूं अपने दोस्तों से। जरा एक बार सोच करके देखो कि अगर महाभारत में अगर शकुनी पांडवों के साथ होते और श्री कृष्ण कौरवों के साथ होते तो महाभारत का परिणाम क्या होता, एक बार सोच के देखो। थिंक अबाउट दिस माइंड, जरा सोच कर देखो कि परिणाम क्या होता। लेकिन यहाँ पे दुर्योधन चालाक था, वो पहले ही श्री कृष्ण के पास जाता है और उनकी सारी सेना मांग लेता है और पांडवों के पास सिर्फ श्री कृष्ण ही बचते हैं। वो बोलते हैं कि मैं ही आपका बचा हूँ, आप मुझे ले सकते हैं। तो पांडव उदास होते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि मुझे एक बहुत ही अच्छा सलाहकार मिल गया है। श्री कृष्ण गाइड करते गए और वो युद्ध जीतते गए। अगर श्री कृष्ण नहीं होते तो युद्ध कभी वो जीत नहीं पाते। उनके लाइफ में एक ग्रेट लीडर था, उनके लाइफ में एक ग्रेट सलाहकार था, इसीलिए वो हर एक युद्ध जीतते गए। नामुमकिन था कर्ण को मारना, लेकिन दिमाग, एडवाइजर सबसे बड़ी चीज होती है। आपका एडवाइजर कौन है? श्री कृष्ण के एडवाइस करने पर अर्जुन ने कर्ण को मारा, और जब तक कृष्ण एडवाइस नहीं करते इम्पॉसिबल था कर्ण को मारना, इतना आसान नहीं था। उनके साथ एक ग्रेट लीडर था, इसलिए वो युद्ध जीते, इसलिए वो महाभारत को जीते। तो ध्यान देना, आपके लाइफ में एडवाइजर कौन है? आप जाने अनजाने में किसी ना किसी से सलाह जरूर लेते हो, तो खोजिए आपका सलाहकार कौन है, खुद से आप सलाह लेते हैं, जानिए उसे, जानिए। और एक अगर आप सलाह किसी से अभी नहीं लेते हैं, आपके लाइफ में कोई एडवाइजर नहीं है, तो उसे खोजिए, कहीं से भी खोजिए, बस स्टॉप पे खोजिए, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पे खोजिए, फेसबुक पे खोजिए, इंस्टाग्राम पे खोजिए, ट्विटर पे खोजिए, हर जगह खोजिए जहाँ से आपको अच्छा ग्रेट लीडर मिले, ग्रेट एडवाइजर मिले, सबसे अच्छा एडवाइजर मिले, वहीं से आप एडवाइस लीजिए। क्योंकि ग्रेट एडवाइजर रहेगा तभी आपको ग्रेट थिंक देगा। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका पैशन कौन है? आपको कैसे पता चलेगा कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए? आपको कैसे पता चलेगा कि आप सबसे अच्छा काम कौन करते हैं? आपको कैसे पता चलेगा कि आप सबसे बेस्ट कौन सा काम कर सकते हैं? कौन सा काम ऐसा है जो आप सबसे बेस्ट कर सकते हैं, आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता? वो आपको आपका एडवाइजर बताएगा। उस पर चलना कैसे है, उसको अचीव कैसे करना है, वो आपको आपका एडवाइजर बताएगा। तो एडवाइजर को खोजिए, हु इज योर एडवाइजर। आप शकुनी से सलाह लेते हैं या फिर कृष्ण से सलाह लेते हैं? शकुनी से सलाह लेते हैं या फिर कृष्ण से सलाह लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अगर शकुनी से सलाह लोगे तो जानते हो महाभारत का हाल क्या हुआ था। अगर कृष्ण से सलाह लोगे तो ये भी पता है कि सिर्फ 5 पांडव कैसे जीते थे कौरवों से। तो ये ध्यान देना, आपका एडवाइजर कौन है? हु इज योर एडवाइजर, हु इज योर एडवाइजर। एडवाइजर को खोजो, कौन है आपका सलाहकार? शकुनी और मंथरा जैसे लोगों को अपने जीवन से निकाल दो, एक ग्रेट लीडर लेके आओ। जब तक लीडर नहीं मिलता है तो पावरफुल मोटिवेशनल बुक्स पढ़ो, जैसे रिच डैड पुअर डैड बुक हो गया, उसके बाद द अल्केमिस्ट बुक है, ये सब बुक पढ़ो ताकि उनसे एक एडवाइस आपको मिल सके। अगर नहीं है तो ग्रेट लीडर्स के बारे में पढ़ो, बिल गेट्स, बैरन बफेट, सुंदर पिचाई, APJ अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, भगत सिंह, इन लोगों के बारे में पढ़ो, तब आएगा एक ग्रेट आइडिया, तब आएगा एक ग्रेट एडवाइस करने का। आप अपने आप को ऑटो सजेशन भी दे सकते हैं अगर इनके बारे में जानेंगे तब। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके भाई की मेहनत का इनाम जरूर देना, एंड लव यू ऑल।